हेलो गाइस, वेलकम बैक। एंड टुडे वी आर प्लेइंग FS19 फार्मिंग सिमुलेटर 19 खेलने वाले भैया आज हम लोग। और ये अपना सिक्स नंबर का एपिसोड। और लास्ट एपिसोड में यार हमने बोला था कि जो अपना फील्ड है ना, ये जो अपने तीन फील्ड है इनको मिला के एक करना है, ठीक है, एक बड़ा सारा फील्ड बनाना है। और लास्ट वाले एपिसोड में अपनी जो फसलें थी वो सारी मैं बेच आया था, ठीक है। कुछ अभी अपने साहिलों के अंदर भरी हुई हैं, प्लस अपने पास बैलेंस हो चुका है जो 1,20,000 डॉलर हो चुके हैं। और साथ ही साथ मैंने फर्स्ट वर्सन वाला मोड इंस्टॉल किया है, सॉरी थर्ड वर्सन वाला, जिससे अपन करेक्टर को भी देख सकते हैं। ओके, पहले अपन करेक्टर को देख नहीं सकते थे, बाकी अपन स्विच कर सकते हैं फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में। अपन करेक्टर को भी अभी देख सकते हैं। ओके, काफ़ी अच्छा है यार ये, ठीक है। अपने पास ट्रैक्टर है, ठीक है, और इसका इस्तेमाल करके अपन फील्ड को जो है बड़ा करने वाले हैं। ओके, एक्चुअली जो ये होता है ना, क्या नाम है, शॉप पे चल के मैं दिखा देता हूँ एक बारी, अगर अपन यहाँ पे चल के देखें, ठीक है। प्लाउस, ठीक है, एक होते हैं एरोज और दूसरे होते हैं प्लाउस, और कल्टीवेटर होता है ये वाला, ठीक है। प्लाउस बेसिकली क्या करते हैं कि खेत को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, बाकी मिट्टी को तो उखाड़ते ही हैं, ठीक है, ठीक करने के लिए, ताकि अपने जो मतलब फसल है, जैसे सुगर केन हो गया या फिर कॉर्न हो गई, सो उनको बोने के बाद प्लाउ करना जरूरी है ताकि नीचे तक की जड़ें निकल आएँ और मिट्टी एकदम सही हो जाए। प्लाउस में एक अलग से फीचर होता है, ठीक है। अगर मैं F1 प्रेस करूं तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं, वाई दबाऊंगा ना तो मैं ये क्या करेगा, अलाउ टू क्रिएट फील्ड, तो मतलब अपन जो भी ये फील्ड नहीं है ना बाकी का, इसको भी अपन फील्ड बना सकते हैं इस प्लाउ का इस्तेमाल करके। ओके, मैं क्या करूँगा, स्ट्रेट इस तरफ अपन जाएंगे, ठीक है, यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे इधर तक और फिर पूरा घूम के उधर, और ये चारों जितने बीच में जगह है ना, इन सबको फील्ड बना देंगे, एक ही बना देंगे पूरे फील्ड को। अभी यहाँ पे पंगा क्या है कि यहाँ पे एक पेड़ खड़ा हुआ है यार बीच में, ये पेड़ भी अपने को काटना पड़ेगा। ओके, नहीं तो अपन अपना दिक्कत करेगा ये, ठीक है, खेत के बीच में। सबसे पहले इसी का इलाज करते हैं, ठीक है। ट्रैक्टर को बंद कर देते हैं, एक्चुअली मेरे को देखना पड़ेगा। ओके, पहले अपने को शॉप पे चलना पड़ेगा क्योंकि अपने को वो लाना पड़ेगा चेनसो, ठीक है, हाथ से काटने के लिए। कोई भी उठा लेता हूँ मैं, ठीक है, हज़ार हज़ार के हैं सारे सारे, कोई भी उठा सकते हैं अपन एक, ठीक है। मैं ये वाला उठा रहा हूँ, 1,000 का, बाय कर लेते हैं, वैसे काम आ ही जाएगा अपना, अपने को कभी ना कभी, ठीक है। एक्चुअली इसमें अपन फर्स्ट वर्सन नहीं रखना पड़ेगा अपने को, अपन इसमें वो नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ओके, इसको रोटेट भी कर सकते हैं, और देख रहे हो यहाँ पे मार्क आ रहा है, और किधर गया भाई मार्क, एक्चुअली ये मार्क में ग्रीन होना चाहिए भाई, आ क्यों नहीं रहा है, एंगल चेंज करते हैं। ओके भाई, ओके, यहाँ पे ग्रीन आ रहा है। ओके, ग्रीन आना जरूरी है, अदरवाइज नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ से पेड़ को काट देते हैं अपन, ठीक है, पहले चलो भाई, पेड़ अपना कट चुका है, और अभी ये ट्रंक बच गया है यहाँ पे, ठीक है, इसको अपन नहीं काट सकते। ओके, इसके लिए एक्चुअली अपने को थोड़ा प्लान बनाना पड़ेगा। ओके, और वो प्लान क्या है, पेड़ को तो मैं उठा नहीं सकता आपसे क्योंकि बहुत भारी भरकम है। एक्चुअली अपने पास बैलेंस है काफ़ी सारा, मेरा प्लान ये है कि एक वो ट्रैक्टर बनाने का, ठीक है। वो ट्रैक्टर अपने काम आ जाएगा, बाकी मैं शॉप पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। इसको काटने के लिए एक्चुअली एक मशीन लगती है, वो लेके आएंगे अपन, ठीक है, और ये पेड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके ट्रॉली के अंदर भर के और बेचाएंगे इस पेड़ को, ठीक है, उससे अपने को पैसे मिल जाएंगे। सेव, एक्चुअली मेरे को जाना है गैराज पे। गैराज पे जाने के बाद अपने को एक ट्रैक्टर बाय करना था एक्चुअली। स्मॉल ट्रैक्टर पे मेरे को ये बाय करना है, फैंडिट वाला, ठीक है, 76,000 का ये। अगर आप इस पे चल के देखें तो व्हील वाइड वाइड वाले लगवा लेता हूँ, ठीक है, 2,000 डॉलर लगेंगे ओनली। और इसमें देख रहे फ्रंट लोडर लगवा सकते हैं यहाँ पे, फ्रंट लोडर, जिसे अपन कोई भी भारी भरकम चीज़ उसको उठा के और लोड कर सकते हैं। बाकी इसका हॉर्स पावर है जो 115 है, और अगर इसका इंजन अपग्रेड करवा लेते हैं अपन तो 150 हॉर्स पावर तक ही जा सकता है। 97,000 कॉस्ट बनेगी इसकी, तो मैं ये करने वाला हूँ बाय। ओके, ये स्टोर पे आ गया, अपने पास है 22,000 डॉलर। ओके, अपना टाइम चल रहा है नॉर्मल स्पीड से। ओके, अपने पास 22,000 डॉलर बचे हुए हैं अभी। मेरा नेक्स्ट प्लान क्या है कि इसके लिए
अपने को बाय करना पड़ेगा फ्रंट लोडर। सो फ्रंट लोडर ये वाला उठा रहा हूँ मैं, 5400 का है, 90 हॉर्स पावर ही चाहिए इसको चलाने के लिए, और ये वाले चलाने के लिए चाहिए 150। सो ये 150 वाला नहीं, ये नॉर्मल वाला ले रहा हूँ मैं, ठीक है। सो इस पे चलते हैं, इसको भी बाय कर लेते हैं। ओके, इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट, लॉग्स अपने को उठाने हैं तो लॉग फोर्क वाला। एक्चुअली ये अपने को बाय करने की ज़रूरत नहीं है, सो अपन चाहें तो इसको लीज पे भी ले सकते हैं, ठीक है। लीज पे लेने की कॉस्ट ओनली $40 है। सो स्पेस दबा के मैं इसको लीज पे ले लेता हूँ, ठीक है। सो ये काम था अपना, बाद में अपन चाहें तो एक यहाँ से खरीद सकते हैं, ठीक है, कुछ भी सामान वगैरह उठाने के लिए। सो चलो कोई नहीं, ये वाला मैं बाय कर लेता हूँ, एक बाय, यस, उस इसको परमानेंट अटैच कर लेंगे, ठीक है, ऐसा करेंगे। सो चलो अभी चलते हैं यहाँ पे और इंजन को करते हैं स्टार्ट। आ जा भाई, अपने पास $16,000 बचे हैं ओनली। ओके, सो सबसे पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको ऑपरेट कर सकते हैं अपन माउस से, ठीक है, ऊपर नीचे और आगे से भी इधर उधर कर सकते हैं इसको, ठीक है। सो वापस चलते हैं। सो अपने को कनेक्ट करना है एक्चुअली ये वाला, सो ठीक है, और इसको ओपन करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है भाई? नो 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 नो, ओ ओके ओके, लॉक्स को पकड़ने के लिए राइट माउस से, ओके ठीक है। सो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको पकड़ के ले चलते हैं दूसरे वाले को, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने लीज पे लिया हुआ है। सो इसको तो थोड़े टाइम बाद भेज देंगे, ठीक है। ओके, सो मैं ट्रैक्टर को लेके पहुंचता हूँ फाइनली गैराज पे। एक नया ट्रैक्टर आ चुका है, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे कि फसल बोते हुए भी अपन फर्टिलाइज वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि दो दो ट्रैक्टर हो गए अभी अभी अपने पास। सो ये ट्रैक्टर काफ़ी अच्छा भी है, ठीक है। इसके अंदर आगे फ्रंट लोडर है, तो बेसिकली फ्रंट लोडर के लिए ही लिया है मैंने ये। और ये वाइट टायर्स यार देख रहे हो, तेज़ भागते ही पीछे की तरफ घूमने लगते हैं, और जो नॉर्मल टायर है ना वो एकदम घूमते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। पता नहीं क्या पंगा इसमें, बस स्टेबनी स्टेबनी घूम रही है, रेंडर नहीं हो पा रहा अच्छे से वाइट टायर्स। ओके, सो गाइस थोड़ा सा सीन हो गया है। एक्चुअली अपन आए थे ट्रैक्टर वाई करने के लिए, और एक्चुअली ट्रंक को काटने के लिए। सो जो लकड़ी का जो सॉरी पेड़ बचा हुआ था नीचे का, उसको काटने के लिए। एक्चुअली उसके लिए मशीन तो हमने बाय ही नहीं करी। ओके, सो मैं फार्म पे गया और फिर याद आया मेरे को, तो मैं वहाँ से वापस आया हूँ, ठीक है। सो मेरे को जाके और एक बार चेक करना पड़ेगा कि वो किधर मिलेगी अपने को, ठीक है। ओके, सो वो मशीन है ये वाली, ठीक है, ये स्टम्प्स काटने के लिए। ओके, ये वाली मशीन है जो पेड़ के जो बचा हुआ हिस्सा नीचे वाला वो काट देती है। सो इसको भी मैं लीज पे लेने वाला हूँ, ठीक है, $255 में, यस। ओके, सो ये हमने लेनी थी और हम सीधा निकल गए थे, ठीक है। सो इसको भी उठाते हैं। ओके, सो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली फार्म पे, और चलो सबसे पहले ट्रंक को काटते हैं, उसके बाद ये जो लीज पे ली हुई है ना मशीन, इसको वापस कर देंगे ताकि ज़्यादा पैसा अपना कटे ना। ओके चलो भाई, आगे मेरे को ऐसा लग रहा है वेट भी लगवाना पड़ेगा, क्योंकि उछल जा रहा है भाई। ओके, सो अलाइन कर लेते हैं इसको एक बारी, मे बी इधर रहेगा, ठीक है, राइट। ओके, सो अभी F1 दबा लेते हैं, कंट्रोल से देखते हैं इसके कैसे है। सो इसको ऑन करने के लिए B दबाना पड़ेगा, चलो B दबा दिया हमने, और लोअर करने के लिए V। ओके, ओ नाइस, कट रहा है भाई, कट रहा है, नाइस नाइस नाइस। और नीचे करने के लिए, ओ नाइस, चलो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है एकदम, इसके इधर उधर भी कर सकते हैं। सो इसको ऑफ करते हैं, और अभी जो ये अपन ने लीज भी लिया हुआ है ना, इसको वापस कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को। सो लीज्ड आइटम पे चलते हैं, और यहाँ से ये कर देते हैं रिटर्न, यस, क्योंकि एक ही ट्री काटनी थी अपने को, और अभी ये आगे का जो फोर्कलिफ्ट है इसकी ज़रूरत अपने को पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पे चल के ट्रैक्टर को कर देते हैं बंद, और बाहर निकल जाते हैं भाई। अब उठा लेते हैं चेन सो, ठीक है, अब अपने को थोड़ी कटिंग वटिंग सी करनी पड़ेगी पेड़ की। ओके, सो चलो इसको यहाँ से काट देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके इसको ट्रॉली में भरना पड़ेगा भाई, तभी अपन इसको बेच के आ सकते हैं। और लकड़ियों से भाई अपने को बहुत पैसे मिलते हैं, ठीक है, गेम के अंदर बहुत पैसे बना सकते हैं अपन लकड़ियाँ बेच के। तो
ओके, अब की बार एकदम सही से पकड़ में, अब की बार नहीं गिरेगा। अब की बार मैं अपोजिट साइड जाता हूँ, ठीक है। पीछे शर्ट रख देते हैं अभी बारी है। वैसे अपने को पहले मोटे वाले डालने चाहिए थे इसके अंदर। चलो भाई, जस्ट तस करके हम लोड कर दिया है, बस यूँ समझ लो। ओके गाइस, फाइनली हम लोगों ने लोड कर दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पीछे का लोड डिटैच करके और आगे लगा देता हूँ। ओके, और फिलहाल इसको सेल नहीं कर रहे हैं, मतलब कि जो लीज भी लिया हुआ अपन ने उसको साथ में लेकर चलते हैं, कहीं रास्ते में कोई सीन हो जाए तो अपन वापस उठा के रख सकते हैं, ठीक है। सो मैं भी अटैच करने वाला हूँ ट्रॉली को। ओके, सो अपनी ट्रॉली कनेक्ट हो चुकी है, अभी अपन चलते हैं मैप पे। और अभी अपना फार्म है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे देख रहे हो बायोमास हीटिंग प्लांट है, सो अपने को यहाँ पे जाना है। ओके, सो यहाँ पे मैं टैग लाइन डाल देता हूँ। चलो वैसे तो अपने को इधर इधर की साइड से जाना है, ठीक है। सो हम यहाँ से चलने का ट्राई करते हैं और स्लो स्लो चलेंगे, ताकि अपनी लकड़ियाँ जो गिर ना जाए गलती से भी। ओके, और इनको सेल करके आते हैं वहाँ पे चल के, देखते हैं कितने पैसे मिलते हैं इसके। ओ भाई, एक तो गिरी गई यार। चलो पकड़ा तो नहीं गया, पता नहीं ग्लिच होके पकड़ा गया। सो जैसा भी है इसको उठा के रख देते हैं भाई, ठीक है। और ये ट्रैक्टर भाई पीछे से उठ के चल रहा है, क्योंकि अपन ने आगे आगे लगा कर रखा है ना वो, इसलिए। ओके गाइस, मैंने फाइनली जो है लोड कर दिया, ठीक है। अभी मैं लेके जाने वाला हूँ इसको, ठीक है। सो सीन हो गया था अपना यहाँ पे, ट्रॉली अपनी पलट ही गई थी ऑलमोस्ट। ब्रांच पे जाने के लिए कौन सा वाला रास्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा, इधर वाला? कुछ दिख नहीं रहा पेडो में से भाई, पीछे ध्यान रखना पड़ेगा ना, कहीं कुछ गिर ना जाए। इसके अंदर घुस जाएगा ट्रैक्टर। ओह नाइस, चलो यहाँ पे कहीं पे सेल करना है, आगे ऑप्शन तो दिखा रहा है सेल करने का। सो मे बी उसके बीच में ले जा खड़ा करना है ट्रॉली। चलो नीचे उतरते हैं, और ये रहा भाई ऑप्शन, F1 दबाते हैं, सेल वुड। ओके, आर दबाते हैं। ओ नाइस, 3,350 डॉलर की अपनी बिक चुकी है भाई, ठीक है। लकड़ी इतनी मेहनत करने के बाद 3,350 डॉलर अपने को मिले हैं, नाइस। चलो वापस चलते हैं, और अभी अपना फील्ड है जो वो बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गाइस हम लोग आ चुके हैं वापस से, ठीक है। और अभी अपन जो है अपना खेत है वो सही करने वाले। ओके, सो ये वेट पे यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि इस ट्रैक्टर के अंदर ज़रूरत पड़ेगी, और ये ट्रैक्टर को खड़ा कर देते हैं बाहर ले जाके। ओके, सो अभी जो अपन ने ये लीज पे लिया हुआ था ना, ये मेरे को सेल करना है। सो अपन चलते गैराज पे, और लीज्ड वन आइटम नहीं, अच्छा ये लीज्ड वाला था, तो इसको कर देते रिटर्न। यस, ओके, सो वो रिटर्न हो चुका है। ओह नाइस, चलो फाइनली ये कनेक्ट हो गया, ये ठीक है, ठीक है। तो ट्रैक्टर को बंद कर देते हैं,
ऐसे खड़ा रहने देते इसको, ठीक है, मस्त लग रहा है। चलो भाई अभी आ जाते हैं ट्रैक्टर पे वापस और इसको कनेक्ट करते हैं। चलो अभी जो अपना फील्ड है उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि एकदम इसके सारे से अलाइन कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो नीचे हो गया, इसके बाद करते हैं कि अलाउ फील्ड, ठीक है, ताकि फील्ड बनाना स्टार्ट करे। सो मैं दबाता हूँ वाई, या फिर अब भी अपन एक काम कर सकते हैं, मैं इसको वापस से ऊपर उठाता हूँ और बैक चलते हैं थोड़ा। अब भी अगर अपन यहाँ पे चल के देखें ना, तो यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारे ना ऊंचा निचान है, मतलब ऊंचा नीचा है यहाँ पे एरिया ये वाला। सो अपन इसको फिक्स कर सकते हैं, ये जो ऊंचा नीचा एरिया नहीं सारे कंप्लीट को। सो अपने को जस्ट चलना है गैराज पे, मैं थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो फिर गैराज पे चलना है अपने को, और यहाँ पे ये वाले ऑप्शन चलना है लैंडस्केपिंग पे, और यहाँ से कर लेते हैं अपन एक बारी, सेव कर लेते हैं पहले, ठीक है, सेव हो गया। गैराज चलते हैं यहाँ से स्टार्ट। ओके, सो ये टूल है भाई अपना। ओ वेट, कैमरा एंगल कैसे चेंज करना है? रोटेट कैमरा, क्यू ई, नहीं क्यू ई एंड हाइट पे कैसे जाऊँ मैं इस कैमरा को लेके? नहीं हाइट पे नहीं जा सकता शायद से, और नो आइडिया। कैमरा जूम इससे होगा, ठीक है। सो एक्चुअली मेरे को करना है एकदम रेज लोअर स्मूथ करना है मेरे को, ठीक है। सो चांसेस स्मूथ हो जाएगा ये, इसको बड़ा कैसे करूँ? चेंज रेडियस, ओके। ओ नो 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 नो, राइट क्लिक दबा दिया, काम का राइट क्लिक दबाना, मिडल वाला दबाना, ठीक है। सो ये क्या करेगा, स्मूथ कर देगा, ओके। और ये जो अपना फील्ड है ना उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है एक्चुअली, क्योंकि ये स्मूथ वगैरह करता है ना सब एकदम सही से। और अपना जो बैलेंस वो भी कट रहा है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना है ये भी अपने को। चलो भाई बैक चलते हैं, अभी देखते हैं, ठीक है। जो ऊंचा निचान थी वो ऑलमोस्ट गायब हो गई है, और थोड़ी सी यहाँ पे है वैसे तो, बट इतना तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो वापस से चलते हैं ट्रैक्टर के ऊपर, इंजन स्टार्ट करते हैं और इसको कर लेते हैं नीचे, और अभी मैं प्रेस करता हूँ वाई। ओके, अभी ये जो फील्ड बनाएगा, ठीक है, जितनी भी अपनी लैंड है उस उसमें, ओके, किसी और की में नहीं बनाएगा, इसे ध्यान रखना है। फिलहाल अपने को चलना है एकदम स्ट्रेट। एक दो बाहर भी आ गया अपना, थोड़ा सा अपने को लेफ्ट लेना चाहिए था। फिलहाल मैं कर रहा हूँ यहाँ तक ही, उठा लेते हैं ऊपर, ओके, बाद में फिक्स कर देंगे जो भी साइड में हुआ है। अभी अपन उस तरफ से ले आते हैं एक बारी, पहले कॉर्नर बन जाए एक बारी, और उसके बाद तो बीच में तो अपन कोई दिक्कत नहीं है, बना देंगे विदाउट एनी इश्यू। केस अभी ठीक है, अभी अपने को एकदम कंप्लीट करना है ये, ठीक है। ओके, जो स्ट्रा पड़ी हुई थी ना अपनी, मैं उसको कलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसको कलेक्ट करने के लिए अपने पास जो है मशीन नहीं है। ओके, सो
ओके सो अपना एक गोल सर्कल बन चुका है और अभी अपने को ये कंप्लीट फिल करना है, ठीक है, किसी तरह से। अभी मैं क्या करता हूँ कि फटाफट इसको फिल करता हूँ। ओके और यहाँ पे तो मैंने अलाउ नहीं करा है एक्चुअली, क्योंकि तो अपना फील्ड ही है, तो नो प्रॉब्लम। ओके सो मैं फटाफट करता हूँ ये, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। सो गाइस अपना फील्ड ऑलमोस्ट रेडी है भाई, बन के तैयार है, ठीक है। बस एक बार जाना है और एक बार आना है, मैंने कंप्लीट कर दिया पूरा, ठीक है। इसके बाद अपना पूरा फील्ड एक बन जाएगा, ओके। और इसके बाद में अपने को इसमें छिड़कना है भाई लाइम, ओके, क्योंकि नया फील्ड है अपना, तो लाइम छिड़कना ज़रूरी है, तभी उसमें अपन कोई फसल वगैरह बो सकते हैं, नहीं तो वो होएगी नहीं। इसके बाद अपन लाइन छिड़केंगे इसके अंदर, और उसके बाद इसके अंदर बुआई करेंगे, ठीक है। रात भी हो गई काफ़ी, और अपना जो वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है। अपन लाइन वगैरह छिड़केंगे नेक्स्ट वाले एपिसोड में। इस वाले एपिसोड में बस अपन कंप्लीट करेंगे अपना पूरा फील्ड, ओके। मैंने कंप्लीट कर दिया एकदम, कॉर्नर वगैरह सब बना दिए, ठीक है। इसमें बहुत ही टाइम लगा है, क्योंकि अपना जो प्लाउ है यार वो बहुत ही छोटा है, ओके। क्योंकि अपना ट्रक की सॉरी ट्रैक्टर की इतनी HP नहीं है ना, हॉर्स पावर, इसीलिए अपने को ये वाला ही बाय करना पड़ा। जब तक कि अपने पास अच्छे खासे पैसे नहीं आ जाते और बड़ा वाला ट्रैक्टर नहीं आ जाता, तब जाके अपन कहीं पे बड़े वाले जो प्लाउस वो बाय कर सकते हैं और बड़े बड़े फील्ड बना सकते हैं, ठीक है। अभी देख रहे हो ये वाला प्लाउ सिर्फ 11-12 की स्पीड पर खींच पा रहा है ये इस वाले प्लाउ को, काफ़ी जान लगानी पड़ रही है इसको, ठीक है। चलो भाई अपना फील्ड ऑलमोस्ट रेडी है। इसके बाद अपन करेंगे नाइट स्किप और मिलेंगे नेक्स्ट वाले एपिसोड में, ठीक है। मैं ट्रैक्टर वगैरह सब रेडी कर लूँगा, लाइम वगैरह अपन नेक्स्ट वाले एपिसोड में भरवा ही लेंगे, ओके। चलो भाई अपना फील्ड एकदम रेडी है, नाइस, ओके। कंप्लीट प्लाउ कर दिया मैंने पूरे खेत में। जस्ट ये कॉर्नर एक थोड़ा सा बचा हुआ है, ये कॉर्नर भी लगा ही देता हूँ मैं। क्रिएट फील्ड मैंने हटा लिया है, ठीक है, थोड़ा सा ये बचा हुआ है, इसको भी प्लाउ कर ही देता है, क्योंकि इधर ऑलरेडी फील्ड था अपना, ओके। ये अपना कंप्लीट काम हो चुका है, ओके। अभी अपन चलते हैं और प्लाउस को खड़े कर देते हैं साइड में। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ इसको बाहर ही पटक दूँ यार, है ना,
वैसे इसकी कभी कभी जरूरत पड़ेगी अपने। ओके सो वैसे पीछे वाले खेत में हमने क्या बोके रखा है भाई, ध्यान में नहीं मेरे। ओ सोयाबीन बोके रखी भाई इसमें, और सोयाबीन को फर्टिलाइज करना भी जरूरी है मे बी, है ना। सो ये फर्स्ट सेकंड स्टेज होगी इसकी सोयाबीन की, फर्टिलाइज्ड मेरे को लग रहा है, फर्टिलाइज कर देना चाहिए अपनी मशीन का, फर्टिलाइज वाली ये कट गया। सो चलो इंजन स्टार्ट, मैं क्या करता हूँ इसको फर्टिलाइज करता हूँ। ओके ओके सो आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और ये क्या अपना ट्रैक्टर स्टार्ट पड़ा हुआ है ऐसे कैसे। ओके सो नेक्स्ट वाले एपिसोड में अपन इस वाली उसके अंदर से मशीन के अंदर से सारा फर्टिलाइज़र निकालेंगे और लाइम भरवाएंगे। ओके और फर्टिलाइज करेंगे, सॉरी लाइम छिड़केंगे पूरे फील्ड में नए वाले में। ओके अभी काफ़ी बड़ा हो गया है ये वाला ना, और फिर मिशन जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है वो भी सब करेंगे अपन नेक्स्ट वाले एपिसोड में। ओके सो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत बोलना, मैं बोलूँगा जल्दी नेक्स्ट वाले में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।